तेज बारिश और तूफान के बीच सुधा एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर भागी जा रही है और उसका पीछा दो गुंडे कर रहे हैं। सुधा भागते भागते जंगल में एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाती है, पर उस पेड़ पर तो एक चुड़ैल का साया होता है और वह चुड़ैल सुधा के आने की आहट से पेड़ से नीचे उतर आती है। आज तो लगता है शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आया है। कितने महीनों से भूखी हूँ मैं, आज करूंगी दावत। चुड़ैल जैसे ही सुधा को मारने के लिए आती है, तभी उसकी नजर सुधा की गोद में एक मासूम बच्चे पर पड़ती है। तुझे शर्म नहीं आती, बच्चे को चुरा कर भाग रही है? कितना मासूम बच्चा है, इस बच्चे की माँ पर क्या बीतती होगी। इस बच्चे को मुझे दे दे, मैं इसे इसकी माँ के पास छोड़कर आऊंगी। नहीं नहीं, यह तो मेरा ही बच्चा है। दुर्जन सिंह ने अपने गुंडे मुझे और मेरे बेटे को मारने के लिए मेरे पीछे लगा रखे हैं। वो मेरा पीछा करते हुए बस यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। मेरी तुझसे प्रार्थना है, तू मेरे बच्चे को बचा ले। चाहे मुझे खाकर अपना पेट भर ले, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। अच्छा, कौन है दुर्जन सिंह और तुझे और तेरे बच्चे को क्यों मारना चाहता है? भला उसकी तेरे से क्या दुश्मनी है? रिश्ते में तो वो मेरा देवर लगता है, लेकिन वह बहुत धूर्त आदमी है। उसके बुरे बर्ताव के कारण मेरे ससुर जी ने मरने से पहले उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था, और सारी प्रॉपर्टी उन्होंने मेरे पति के नाम लिख दी थी। उसने मेरे पति का खून कर डाला। मेरे पति की मौत के बाद अब प्रॉपर्टी का असली हकदार मेरा बेटा है। अब वो सारी जमीन और जायदाद हड़पने के लिए मुझे और मेरे बेटे को भी मारना चाहता है। कितना निर्दयी आदमी है, मुझ जैसी चुड़ैल को इस बच्चे पर दया आ गई। तू चिंता मत कर, मैं तुझे और तेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। चुड़ैल और सुधा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दुर्जन सिंह के गुंडे सुधा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन चुड़ैल दोनों गुंडों को मार मार कर भगा देती है और दोनों गुंडे मार खाकर सीधा दुर्जन सिंह के पास जाते हैं और दुर्जन सिंह को पूरी बात बताते हैं। क्या कहा, कोई चुड़ैल उन दोनों की मदद कर रही है? जरा बुलाओ कालीचरण तांत्रिक को। दुर्जन सिंह के गुंडे कालीचरण तांत्रिक को दुर्जन सिंह के पास लेकर पहुँचते हैं। कालीचरण, तेरे होते हुए भी इस गांव में चुड़ैल रहती है? क्या तेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि एक चुड़ैल को मार सके? अच्छा, कहाँ है चुड़ैल बताओ मुझे, आज ही उसका नामो निशान खत्म कर दूंगा। मेरे आदमी तुझे उस चुड़ैल के पास लेकर जाएंगे। तू चुड़ैल को मारकर जिन लोगों को भी उस चुड़ैल ने शरण दे रखी है, उनको मेरे पास लेकर आ। उन सबको तो मैं एक साथ मजा चखाऊंगा। दुर्जन सिंह के गुंडे कालीचरण को उस चुड़ैल के पास लेकर पहुंचते हैं। दुर्जन सिंह के गुंडे चुड़ैल पर हमला करते हैं, लेकिन चुड़ैल गुंडों को मार मार कर धूल चटा देती है। लेकिन कालीचरण मौका देखकर चुड़ैल के पीछे से त्रिशूल से वार करता है और चुड़ैल को जान से मार देता है। वाह, इस चुड़ैल का काम तो तमाम हो गया। इस चुड़ैल ने जिसको शरण दे रखी है, उसको लेकर चलो दुर्जन सिंह के पास। दुर्जन सिंह के गुंडे पेड़ के आसपास देखते हैं तो उन्हें सुधा का बेटा नजर आता है, पर सुधा कहीं नजर नहीं आती। तो वो सुधा के बेटे को उठाकर जैसे ही चलने लगते हैं, तभी अचानक से दोनों गुंडों पर जोर से मुक्के का वार होता है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हैं, चुड़ैल चुड़ैल, कालीचरण, यहाँ एक और चुड़ैल है। कालीचरण जैसे ही चुड़ैल की तरफ त्रिशूल से हमला करने के लिए बढ़ता है, चुड़ैल कालीचरण का त्रिशूल छीन कर
कालीचरण को ही मार डालती है और उन दोनों गुंडों में से एक गुंडे को जान से मार देती है। जा, मैं तेरी जान बख्श रही हूँ, और जाकर मेरा संदेश दे दे अपने दुर्जन सिंह को कि मेरे रहते हुए मेरे बेटे को कोई नहीं मार सकता। अपनी जान बचाकर भागते भागते वह गुंडा सीधा दुर्जन सिंह के पास पहुंचता है और पूरी बात बताता है। क्या कहा तुमने? एक और चुड़ैल? और वो चुड़ैल कहती है कि उस छोटे से सपोले की वो माँ है, और मेरा तांत्रिक दोस्त कालीचरण उस चुड़ैल माँ के हाथों मारा गया। लगता है मुझे ही उस छोटे सपोले और उस चुड़ैल माँ को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। उधर चुड़ैल माँ अपने बेटे को गोद में उठाकर रो रही होती है और अपने बेटे से बात कर रही होती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे अब अपने पास भी नहीं रख सकती। मैं तुझे क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी? तेरी जान बचाने के लिए मुझे उस चुड़ैल से शक्ति लेनी पड़ी और खुद चुड़ैल बनना पड़ा। लेकिन इसकी बहुत महंगी कीमत मुझे चुकानी पड़ रही है। मेरा दिल तो नहीं करता तुझे दूर करने को, लेकिन अब मुझे पूरा जीवन चुड़ैल के रूप में ही गुजारना पड़ेगा। मैं तुझे मेरी बहन मोहिनी के पास छोड़ दूंगी, वो तेरी परवरिश करेगी। चुड़ैल रात के घनघोर अंधेरे में जैसे ही अपनी बहन के घर पहुंचती है तो मोहिनी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, चुड़ैल कहाँ से आ गई हमारे घर में? बहन घबरा मत, मैं हूँ तेरी बड़ी बहन सुधा। सुधा, तेरी ये हालत, क्या हुआ तेरे साथ? चुड़ैल मोहिनी को अपनी पूरी व्यथा सुनाती है और अपने बेटे को मोहिनी के पास छोड़कर वहां से चली जाती है। चुड़ैल के जाने के कुछ देर के बाद ही दुर्जन सिंह अपने गुंडों के साथ मोहिनी के घर पहुंच जाता है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो चुड़ैल माँ इस सपोले को तेरे पास ही छोड़ने आएगी। अब इस सपोले के साथ साथ तेरा भी काम तमाम हो जाएगा मोहिनी। देख क्या रहे हो, इस औरत को और इस सपोले को पकड़कर मुझे दो, इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। दुर्जन सिंह के गुंडे मोहिनी को पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और सुधा के बेटे को छीनकर दुर्जन सिंह को दे देते हैं। दुर्जन सिंह एक बड़ा सा चाकू निकालकर जैसे ही उस नन्हे बच्चे को मारने की कोशिश करता है, तभी चुड़ैल माँ वहां आ जाती है और जोर से एक मुक्का दुर्जन सिंह को मारती है, जिससे दुर्जन सिंह बहुत दूर जाकर गिरता है। दुर्जन सिंह, तेरे पाप का घड़ा भर गया, अब तेरी मौत निश्चित है। मेरे पति की मौत का, मेरे बेटे को मारने की कोशिश का और मुझे इस हाल में पहुंचाने का, सब का हिसाब आज मैं चुका दूंगी। दुर्जन सिंह के गुंडे चुड़ैल को देखकर भाग जाते हैं। चुड़ैल दुर्जन सिंह को उसी के चाकू से मार डालती है और इस तरह चुड़ैल माँ अपने बेटे की जान बचा लेती है।